आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों आज की वीडियो में बात करेंगे कि देवी देवता हमसे बात कैसे करते हैं। आप सभी ने बहुत सारे अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं, जब आप लोग मुझे मिलते हो या आप लोगों के फोन आते हैं तब आप लोग कहते हो कि हमें स्वप्न के माध्यम से बाबा श्याम दिखाई देते हैं, या फिर हमें ये स्वप्न आया था, इसका क्या मतलब है। देखो भाई, देवी देवता जब कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ शुरू कर देता है तो उस देवता से जुड़ी हुई कोई शक्ति, कोई दूत, कोई गण, कोई वीर, कोई महावीर, कोई योगनी उसके पास आना शुरू कर देती है। जैसे मैं अब बाबा हनुमान की पूजा करूं तो बाबा हनुमान अपने दूतों को मेरे पास छोड़ देते हैं कि ये बच्चा मेरी शरण में है, इसकी रखवाले की जिम्मेदारी आपकी है। अब वो दूत आए कहां से हैं? बाबा हनुमान के ही तो हैं, और बाबा हनुमान के हैं तो मेरे लिए वो बाबा हनुमान के समान ही है भाई, वो कोई और नहीं है, मेरे लिए तो बाबा हनुमान ही कहलाएंगे। अब जब वो दूत हमारे पास आ जाते हैं तो वो हमसे संपर्क बनाते हैं। अब संपर्क कैसे कैसे बनाया जाता है? जिन लोगों की पूजा पाठ ज्यादा हो जाती है उन लोगों के शरीर पर डायरेक्ट सवारी आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो दरबार लगाते हैं, पूछा देते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन पूछा देने लग जाते हैं, कुछ लोग वैसे दरबार लगाने लग जाते हैं। जो वैसे दरबार लगाता है उसको ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्यों पता नहीं कहां कहां से प्रेमी आते हैं। अब मान के चलो मैं बोल दूं कि मंगलवार को मैं दरबार लगाता हूं, मैं लगाता नहीं कोई भी दरबार, मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको, मान के चलो मैं मंगलवार को दरबार लगाता हूं, तो जो बुधवार को आएगा क्या मैं उसको ये बोल दूंगा कि ना भाई मैं तो नहीं बताऊंगा अगले मंगलवार को आना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो दरबार लगाते हैं उनको ये परेशानी उठानी पड़ती है कि वो 24 घंटे 365 दिन बिजी हो जाते हैं, और यही कारण है कि मैं दरबार नहीं लगाता। मुझे पता है लोगों की मानसिक प्रवृत्ति कितनी गंदी है, हमारी मानसिकता कितनी खत्म हो चुकी है, इसी कारण हम दरबार नहीं लगाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप दरबार लगाया करो, आप फ्री में लोगों का इलाज करते हो, बड़ा भाग्य का काम है, बड़ा अच्छा। भाई सब कुछ ठीक है लेकिन एक दायरे तक। मैं दरबार लगा के अपने आप का और उन शक्तियों का खिलवाड़ नहीं करवाना चाहता। कुछ लोग ऑनलाइन पूछा देते हैं ताकि इस भसड़ से बचा जा सके, मैं तो बड़ी अच्छी बात मानता हूं उनकी कि ऑनलाइन बैठे बैठे समाज कल्याण का कार्य कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ना किसी से मिलना, ना किसी को चेहरा दिखाना, ना कुछ और ऐसा वैसा करना। अब मैं तो शुरू से ही यूट्यूब पर चेहरा दिखाता हूं, इसलिए अब भी वीडियो में आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूं। उसके साथ साथ कुछ लोगों के कान में शक्ति बताती है, सवारी नहीं आती उनके शरीर पर, कान में बता देती है कि ये वो व्यक्ति है, इसको ये परेशानी है, ये कर लेगा तो ये ठीक हो जाएगा, और वो व्यक्ति बता देता है उसको कि भाई तू ऐसे ऐसे कर ले, वो ठीक हो जाता है। सवारी आना, फिर कान में बताना, दो प्रकार से। तीसरी प्रकार से मन में वैसा ही भाव चलना शुरू हो जाएगा, सामने कोई व्यक्ति आया उसको ये परेशानी है तो उसके मन में भाव चलने लग जाएगा, ये वो व्यक्ति हो सकता है, ये है वो है, तो उसमें से 100 में से 70 बातें सच होंगी, 30 बातें थोड़ी सी दाएं बाएं से निकल जाएंगी। तो फिर आप लोग कहोगे यार ठीक ही बताया कुल मिला के, 100 की 100 तो कोई नहीं होता भाई, बस थोड़ा सा अंदाजा ही होता है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। आप भी समझना इस बात को, जरूरी नहीं हर बात सच्ची ही निकले या कुछ ऐसा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। उसके साथ साथ हम साधारण गृहस्थी के आदमी हैं तो हम दरबार भी नहीं लगाते, सवारी भी नहीं आती, इतनी पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर देवता हमसे संपर्क कैसे करते हैं? फिर संपर्क करते हैं, सबसे पहला माध्यम है स्वप्न का माध्यम। सपने में जब हम सोए हुए होते हैं उस समय बाहर का शरीर तो मृत के समान है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा, लेकिन अंदर जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर भगवान से संपर्क करता है। उस सूक्ष्म शरीर के साथ जब कोई दैवीय कण, कोई ऊर्जा, कोई अंश संपर्क करता है तो हमें हम उसको स्वप्न का रूप दे देते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो हमें सबसे ज्यादा बंदर दिखाई देते हैं, बाबा हनुमान दिखाई देते हैं, बाबा श्याम लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो शक्ति उस समय पर आपके सूक्ष्म शरीर के साथ होती है जब आपको सपना आ रहा होता है उस चीज का। स्वप्न के माध्यम से वो शक्ति आपको ये बताती है कि मैं हूं, तेरे साथ चल रही हूं। बार बार बंदर का दिखाई देना मतलब बाबा हनुमान का कोई ना कोई दूत आपके साथ है, शेर दिखाई देना मतलब माता दुर्गा का कोई कण है, बार बार आपको कोई बच्ची मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए दिखाई देना या तो माता काली या माता दुर्गा का कोई अंश आपके साथ चल रहा है, बार बार किसी सिद्ध पीठ का, किसी मंदिर का, किसी शिवालय का, किसी देवालय का दर्शन होना, मतलब बार बार मान के चलो साला सा धाम दिखाई देगा, तो समझ जाना बाबा हनुमान की शक्ति है, मेहंदीपुर दिखाई दे बाबा हनुमान है। कोई भी बार बार आपकी जीवन जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आए जिसका नाम राम से संबंधित हो,
समझना कोई ना कोई बाबा हनुमान का दूत या भगवान श्री राम की सेना का कोई ना कोई वानर या कोई ना कोई भालू आपके साथ है। इस प्रकार हमें समझना होगा कि वो क्या चीज है जो बार बार हमें दिखाई दे रही है सपने के माध्यम से। एक होता है विचार के माध्यम से, अभी कोई दिमाग में सवाल आया भाई पता नहीं क्या चक्कर है, अपने आप विचार आने लगेगा उसी देवी देवता का, जो शक्ति आपके साथ होगी उसी देवी देवता का अपने आप विचार। अब सोच तो ये रहे थे बच्चों की पढ़ाई का लेके क्या करूं, अचानक विचार आया मंगलवार को बाबा हनुमान के दरबार में चालीसा पढ़नी है। सोच लेना बाबा हनुमान का दूत आपके साथ है और वो आपको प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपके दिमाग के डाउट दूर करने के लिए। उसके साथ साथ आपने कोई भी आज सवाल ले लिया, कैसे पता करूं मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, कैसे पता करूं पितरों के बारे में, और उसी समय आपके सामने आपने सर्च भी नहीं किया, कहीं से कोई लिंक भी नहीं उठाया, डायरेक्ट यूट्यूब के होम पेज से आपके पास कोई वीडियो आ जाए। जैसे मुझे हजारों लोग यही बताते हैं कि पितरों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हमने तो प्रार्थना की थी अपने देवी देवताओं से और उसी दिन आपकी पितरों की वीडियो हमारे सामने आई, जैसा जैसा आपने बताया हमने वैसा ही किया और आज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पितर हमारे घर में है। तो क्या उसमें मैं भागीदार हूं? ना, उसमें आपका जो मजबूत विश्वास है वो रंग लाया है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते थे उस देवी देवता ने मेरी वीडियो को उठा के आपके सामने रख दिया, क्योंकि वो देवी देवता उस तरीके से आपके साथ कनेक्ट है और वो उस तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक नहीं भाई, आज MB रिकॉर्ड भक्ति चैनल पर 472,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमने कहीं नहीं बोल रखा कि सब्सक्राइब कर लो, फिर भी इतने श्याम प्रेमी जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? क्योंकि आप लोगों की उस शक्ति ने काम किया कि हमारे ऊपर आप लोगों का विश्वास हुआ। अभी जो नया चैनल बनाया श्री श्याम शाडवा धाम, अशोक कुमार शाडवा धाम के नाम से, इसके ऊपर 1 महीना हुआ नहीं है, पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगी, कब आप लोगों के सामने आएगी, लेकिन 1 महीने से पहले ही शायद 20 दिन हुए हैं, 20 दिन में 10,400 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। हमने तो कहीं नहीं बोला भाई, क्यों सब्सक्राइब किया आप लोगों ने? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा कि सामने बैठा है, आइडेंटिटी बताता है, बात भी करता है, मिलता भी है। वैसे हम मिलते नहीं किसी से भाई, कुछ अन्यथा विचार मत ले जाना आप। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ट्रस्ट किया। वो ट्रस्ट कैसे हुआ? क्या मेरा ये चेहरा देख के? क्या कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी? क्या कुछ अलग विशेष करके दिखाता हूं? ना, आपके देवी देवताओं ने, जिस देवी देवता को आप मानते हो, उन्होंने कहा कि इस पर विश्वास कर, कहीं ना कहीं हम भी इसके साथ हैं और हम तुम्हारे साथ भी हैं, इसलिए बाबा ने हम दोनों को जोड़ा, इसलिए आप लोगों का मेरी बातों पर यकीन हुआ, विश्वास हुआ, आप लोगों ने वही काम किया तो आपका काम बना। तो ये कई अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरीके से देवी देवता हमारे साथ संपर्क बनाते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस समझना हमें पड़ेगा कि कौन सी बात कहाँ चल रही है, किस प्रकार चल रही है। जिस दिन समझ जाओगे उसी दिन से आपका काम धीरे 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 पटरी पर आ जाएगा और वो देवी देवता का प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा। डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण किसी को नहीं होता, पहले इन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी, अन्य प्रेमियों को जरूर सुनाना ताकि वो भी समझ सके और अपने देवताओं से संपर्क बना सके। जय श्री श्याम, राधे राधे।